दोस्तों अफगानिस्तान की टीम को धूल चटाने के लिए भारतीय टीम में लौटा रोहित शर्मा का भी बाप। पहले तो इस खिलाड़ी ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश कर डाली और T20 में दोहरा शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं इस भयंकर बल्लेबाज के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भाई, भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई। मगर दोस्तों अब भारतीय टीम का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ होना है जो कि 20 जून को खेला जाएगा। मगर दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहेंगे और इसको देखते हुए भारतीय टीम में सबसे खतरनाक बल्लेबाज की वापसी करा दी है। गाइस हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, जबकि ईशान किशन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर भारतीय टीम को जिताने का हौसला रखते हैं और ईशान किशन ने कई हारे हुए मुकाबले भारतीय टीम के लिए जिता रखे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक भी ठोक रखा है। अगर दोस्तों ईशान किशन का बल्ला चल गया तो एक तरफा T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारतीय टीम के लिए जिता देंगे। वैसे गाइस अपनी चिकोड़ों को बताना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं।